हेलो एवरीवन, दिस इज ज़रक शाह ज़ेब एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़रक क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज बात करते हैं ग्लास फॉन्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वो मैं वीडियो के दरमियान में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखनी, और वो बात आपने ज़रूर सुननी है सब लोगों ने, ठीक है। जो जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं काइंडली वो बात ज़रूर सुन लीजिएगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने यहाँ पर आना है पिक्सलैब में। ये पिक्सलैब जो है बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, मैं भी आपको दे दूंगा। बस आपने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर उसको ज्वाइन करें, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, अपने वाला। बाकी मैं सारा तरीका मैथड इसको यूज़ करने का तो मैं डेली जा रहा आपको बताता हूँ। इतनी ग्लास फॉन्ट्स की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, फिर भी यार आप सपोर्ट नहीं करते। गुज़िश्ता आज ही मैंने एक वीडियोज़ अपलोड की है यार, उस पर आप लोगों ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अब फ्रेंड, आपने यहाँ पर नेम टाइप करना है, कोई भी आप नेम टाइप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने ये नेम टाइप कर लिया है। अब आपने करना क्या है, इसके बाद आपने आ जाना है ए बी वाले ऑप्शन में। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद हमारे सामने तीन ऑप्शन शो होने, फॉन्ट, माय फॉन्ट, रिसेंट। रिसेंट में वो फॉन्ट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, मतलब वो इधर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब जो हम यूज़ करके बनाते हैं कुछ चीज़, नेम लिखते हैं, एडिट करते हैं। फॉन्ट में होते हैं बेकार फॉन्ट, पिक्सलैब के आपने ये देखो जी, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है भाई। ये आप लोगों की गलत फहमी है, अगर इसमें कोई काम का आपको मिल जाएगा, कोई एक को थंबनेल बनाने के लिए, वरना रिटर्न के लिए बिल्कुल भी। माय फॉन्ट में आपने मर्जी के आप फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखो मैंने कितने फॉन्ट ऐड किए हैं, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए 6000 प्लस फॉन्ट्स हैं, ठीक है, तो वो आपने कर लेना। उसमें मिक्स फॉन्ट है, स्टाइलिश, बोल्ड, सिग्नेचर सब उसमें, ठीक है, सारे उसमें फॉन्ट मौजूद है। बाकी अगर किसी को ऐड करने का नहीं पता तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियोस भी आपने देखकर ऐसे ऐड कर लेना है बिल्कुल इजी तरीके से। देखें कितने फॉन्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको भी ये चाहिए, आपने भी ये सारे अगर आपने लेने हैं, तो फिर भाई वो वीडियोज़ दोनों देखनी होंगी, ठीक है। तो ऐसे तो यार मैं दे नहीं सकता, अगर देने होते तो यार मैं आप लोगों को दे देता, ऐसे पता है जाते नहीं। अगर आपने ऐसे भी लेने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएँ, वहाँ पर मैं यार ये अपने वाले सारे आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर नेम आपने लगा देना है, फॉन्ट फॉन्ट लग गया सोनिया नेम पे। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर कुछ जो पीएनजी का तरीका मैं क्यों बताता हूँ, कुछ लोग मतलब यहाँ पर कहते हैं भाई पीएनजी लगा कर दिखाया करें हमें, मतलब ऐसे हम नेम टाइप कर लेते हैं लेकिन हमसे फैशन एबल स्टाइलिश फॉन्ट भाई नहीं बनता, आप कैसे लगाते हैं, इसलिए मैं पीएनजी लगा कर आपको दिखा देता हूँ। आपने इंपोर्ट में आना है और अपना पीएनजी ऐड जल्दी जल्दी कर लेना है। तो फ्रेंड, ये वाला पीएनजी मैंने ऐड कर लिया, तो ये बिल्कुल इजी है, कोई हमने पहाड़ नहीं गिराना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो आपने करना है कि आपने रेज कलर में आ जाना, इसको एनेबल कर देना है, वन पर क्लिक करना है और इसको सिंपली यहाँ पर लेकर आ जाना, टॉलरेंस फुल कर देनी है, फिर अगेन कलर मैंने, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट जो मेथड मैंने आपको बताया, इसका नेम का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये बिल्कुल छोटा सा यार हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो आ गया, अब मैं इस नेम का साइज़ बड़ा कर देता हूँ, साइज़ बिल्कुल यार छोटा सा है, नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रखूँगा, यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। आपने कहाँ पे करना है, तकरीबन यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ पे लग गया। अब आपने इसका करना है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ये जो डब्बे से बने हुए हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा, बैकग्राउंड कट गया जो इसमें आ रहा था, ठीक है, कट गया। आपने कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपने करना क्या, आपने अल्ट्रा में आना है, ठीक है। अल्ट्रा में आने के बाद आपने सेव टू गैलरी करना है। अब आपने आना है अडोब फोटोशॉप टच में। तो फ्रेंड, यहाँ पर अडोब फोटोशॉप टच में मैं आ गया हूँ, ठीक है। अभी तक वो बात मैंने शुरू करनी है, ठीक है, मैंने वीडियो स्टार्ट होते वक्त आप लोगों को बताया था, ठीक है, मैंने कहा कि मैं दरमियान में बोलूँगा, ठीक है, जब मैं मतलब यहाँ पर पिक ऐड कर लेता हूँ तो वो आपसे बात करता हूँ, थोड़ी सी शेयर करनी है आप लोगों से बात। यहाँ पर आपने आना है कौन सा पिक्चर वाला फोल्डर भाई ढूंढें, ठीक है, जिसमें अपनी पिक पड़ी, पिक मैंने ले ली। अच्छा, पिक मैंने ले ली, कुछ फ्रेंड ये भी सवाल करते हैं भाई आप ऐसे कैसे करते हैं, ये यार मैंने तरीका मैथड आप लोगों को बताया, आप पिक्स आर्ट में जाकर कोई भी पिक है उसको ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थर्टी मतलब 30 पे 20 पिक्स में भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने तरीका बकायदा बताया भी था किसी वीडियोज़ में, तो वीडियो स्किप ना के करें, एंड तक जरूर देख करें। अब आपने ना सोनिया वाला नेम यहाँ पे ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नेम कर लिया ऐड, तकरीबन थोड़ा सा और बड़ा करें यहाँ पे। अच्छा, अब ठीक हुआ है ये नेम, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भाई दो डुप्लीकेट कॉपी करना है। यार बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी, अब आपने फर्स्ट लेयर को कर लेना है सेलेक्ट और आ जाना है एफ एक्स में, ठीक है। अब आपने ध्यान मार्क पर थोड़ा सा देना है, मैं थोड़ी सी बात आपसे करने लगा हूँ।
यार बात मैंने ये करनी थी कि यार मेरे अच्छे खासे माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स भी हैं, आप मेरी वीडियोस भी वॉच करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप करते नहीं, आप लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यार आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। लेकिन यार आज मैंने एक वीडियोज़ अपलोड की है, ठीक है, फर्स्ट टाइम तकरीबन 10 बजे, यार उस वीडियो पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए, ठीक है, बिल्कुल। मतलब एक घंटे में जहाँ मतलब 40-50 व्यूज़ आता था, वहाँ पे मतलब मैं सिटी गया हुआ था, वहाँ पर मैंने वैसे यूट्यूब ऑन किया तो मैंने देखा तो वहाँ पे सिर्फ थोड़े से व्यूज़ थे, तकरीबन 8-9 के 5-6 थे व्यूज़। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आज क्या चक्कर था, ऐसा क्या हुआ कि इतने डाउन क्यों मेरे व्यू हुए, ठीक है। मतलब आप लोगों ने आज मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी, ठीक है, ये आप लोगों ने सब ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है, इसकी मैं वजह जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने ये वीडियो क्यों आज नहीं देखी, मतलब ऐसा क्या था, क्योंकि आज सर्वर नेटवर्क ख़राब था। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है पूरे पाकिस्तान में कितना ख़राब होगा, तकरीबन काफ़ी सिटीज़ में हमारे यहाँ मतलब सर्वर का बड़ा मसला रहा है, हो सकता है मेरे अंदाज़े मुताबिक नेटवर्क का मसला है या कोई और मसला है, अब मुझे ये नहीं पता। लेकिन आप सब लोगों ने कमेंट्स करके बताना है मुझे, वो वाली सुबह वाली, वो भी नेम यही तकरीबन सोनिया ही था, लेकिन उसमें गोल्ड स्ट्रोक वाला नेम था, वो आप लोगों ने वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया था, वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी। इसके लिए यार मुझे बहुत दुख हुआ है। अब आपने थर्ड लेयर में आना है और फ्रेंड इसमें बेवल लगाते जाना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपने बातों पर ध्यान नहीं, बात मार्क पर भी ध्यान देना है। यार मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने इतनी मेहनत से, इतनी वॉइस ओवर में इतना मार्क लगाकर आप लोगों को समझाता हूँ, ऐसे आप लोगों को कोई भी नहीं समझाएगा। अगर कोई वॉइस ओवर में बोलता भी है तो मेरे जैसा यार नहीं समझाता होगा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई समझाता है तो मार्क भी नहीं लगाते होंगे, ठीक है, वैसे मतलब ऐसे ऐसे मतलब चलाते जाएंगे वीडियो, ठीक है। आप सब लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है, उस वीडियो पे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वरना आप मुझे हर वीडियो पे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इस वजह से यार मुझे मतलब है ना, जब आप मतलब सपोर्ट नहीं करते, हौसला अफजाई जो मतलब है अंदर से ना एक जज्बा जुनून ख़त्म हो जाता है, डीमोटिवेट बंदा हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, मतलब मुझे अच्छा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, मतलब बहुत जज्बा जुनून है, तो फिर मेरे में हिम्मत हौसला बढ़ता है, फिर मैं आगे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत रेडी होता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा ही करेंगे जैसे सुबह वाली वीडियो पर किया है तो फिर तो यार क्या है, फिर वीडियोज़ बनाना छोड़ दूँगा, ठीक है। तो वो मुझे वजह आप लोगों ने बतानी है कि आप लोगों ने वो आपको गिलास फंड पसंद नहीं आया, या मतलब है नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में ख़राब था, या आप लोगों के सिटीज़ में ऐसा चक्कर था, क्या चक्कर था, ठीक है, या कोई लाइट का मसला है, बारिश है, कोई चक्कर भी है, वो आप लोगों ने मुझे सब ने बताना है, ठीक है, कॉमर्स कार के जो जो भी रीज़न था। वो वीडियो जो आपने नहीं देखी, मतलब जो सुबह मैंने 10 बजे अपलोड की थी सोनिया नेम वाली गोल्ड स्टोक वाली, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ तक तो आ गए, अब आपने सेकंड ईयर में आ जाना है, ठीक हो गया। तो मेरी फ्रेंड यही बात थी, तो सब लोगों ने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है कि ये वजह थी, ये रीज़न था, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपने सेलेक्ट पिक्सल में करना है। तो यार ये इस ग्लास फंड के मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट डिमांड आई है, ठीक है। तो कुछ यार लोग जो है ट्रांसफार्म वाले दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं, यार इस ऑप्शन में आपने जाना होता है, कुछ लोग भाई यहाँ पर आते हैं तो यहाँ वाला ये जो ट्रांसफार्म है ना इधर आ जाते हैं, यार ये नहीं आना, आपने सेलेक्ट पिक्सल वाले में ऑप्शन में जो शो होता है ना वो उसमें ही आना, ये देखना। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट पिक्सल किया, फिर इसी में आपने आ जाना होता है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपने ट्रांसफार्म में आना है और यहाँ पर एक्सपेंड में आना है और इसको मैनेज कर देना है, ठीक है। तो मैनेज कर दिया, अब आपने यहाँ पर आना है, कलर कोई भी आपने रख लेना, जैसे मैंने हेड रख लिया, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद फिर आपने फ्रंट ट्रांसफार्म करना है, फिर यहाँ पर मेरा भाई आपने कोई भी कलर रख लेना, जैसा कि यहाँ पर मैं ग्रीन रखूँगा, ग्रीन रखने के बाद आपने एन पे आना है, एन पे आने के बाद फिर पेंसिल में आना है, ट्रांसफार्म में जाना है, एक्सपेंड पे आना है, एक्सपेंड -20px कर देना है। यहाँ पर मेरा भाई आपने कोई कलर और रख लेना, मैंने येलो रख लिया। अब फिर मैं वाई पे आ गया, वाई पे आने के बाद आपने ट्रांसफार्म में आना है, फिर आपने यहाँ पर इसको -20px कर लेना है। यहाँ तक करने के बाद आपने करना कि आपने यहाँ पर पर्पल लगाना है, यहाँ पर फिर आपने आना है और फिर ट्रांसफार्म में अगेन आना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद अब आपने करना क्या, आपने यहाँ पर कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, सियान कर लिया, अच्छा यहाँ तक तो हो गया काम, ठीक है। अब आपने करना क्या, ऊपर शेप पर भी आपने यही सिलेक्ट करना है। अब आपने फर्स्ट लेयर में आना है, FX में जाना है और यहाँ पर आपने मेरा भाई ग्लो में आना है। ग्लो में आने के बाद आपने 0.6 इसकी ग्लो रखनी है, एक दफ़ा फिर आपने ग्लो में आ जाना है।
अच्छा अब आपने करना क्या, मेन काम जो है ना, अब आपने नीचे वाली लेयर में आ जाना है, टू लाइंस पे आना है। टू लाइंस पे आने के बाद आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, मैंने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी ब्राइटनेस 77 की है और 67 कंट्रास्ट की है। इसको आप चाहे तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे ले जाएंगे ये वाइट होता जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ऐसे होता जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। मुझे 74 पे लगा, कंट्रास्ट को आप आगे लेकर जा सकते, ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे, ये आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा फ्रेंड, आपने करना क्या, फर्स्ट लेयर की डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, सेकंड वाले की भी कॉपी करनी है, लास्ट में आ जाना है, लास्ट वाले की भी कॉपी कर लेनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ग्लास में रेडी हो गया है। आपने डन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो फ्रेंड आप लोगों ने साहब ने रीज़न बताना है कि क्या वजह थी, वजह मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या थी, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने सेव टू गैलरी में आना है और यहाँ पर आपने मेरा भाई पिक ऐड कर लेनी है। पहले पिक पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना। फ्रेंड आज हमारी बस ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।